कैमरा मैंने बराबर लगाएगा? हाँ, लगा दिया। पता नहीं कैसे लोगों को हायर किया मैंने, इतने पसीने में वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब तो करना चाहिए। हे गाइस, माय नेम इज विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया था कि किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए बाइक लेते टाइम, क्योंकि बाइक हो या कोई भी व्हीकल हो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की इन्वेस्टमेंट्स में सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा फुल पेमेंट ऑप्शन के बारे में और ईएमआई के ऑप्शन के बारे में। स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, जिसको जो देखना है उसका टाइम स्टैम्प मैंने वीडियो में दिया है, तो आप उसको स्किप करके देख सकते हो। मेरे पीछे खड़ी है मेरी खुद की डोमिनार 400। देखो बॉस, किसी भी बाइक को परचेस करने के लिए या किसी भी व्हीकल को परचेस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग फुल पेमेंट कर सकते हैं या हम लोग ईएमआई ले सकते हैं। जब कभी भी हम लोग ईएमआई लेंगे तो सबसे पहले हमें करना होता है डाउन पेमेंट, और उसके बाद हम लोग ईएमआई में चूज़ कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमें ईएमआई लेनी है। ये हो सकती है 1 साल से लेकर 4 साल के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फुल पेमेंट ऑप्शन के बारे में, क्योंकि इसको समझना काफ़ी आसान है। जैसे कि आपको पता चलता है कि फुल पेमेंट ऑप्शन में फुल पेमेंट है, मतलब आपको सारी की सारी पेमेंट जो है वो कैश में करनी है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो प्राइस है, जो उसकी कॉस्ट है बाइक की, वो आपको पड़ जाती है ऑन रोड प्राइस पर, मतलब उससे आपको 1 रुपया भी ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक जो है ये 2,42,000 की है। अगर मैं इस बाइक का फुल पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पे करने पड़ते हैं 2,42,000 रुपीज़। इसके अलावा मुझे 1 रुपये भी ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि आपको किसी भी तरीके का डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं बाइक का। डाउन पेमेंट क्या है इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम रुक जाओ। जब कभी भी हम लोग फुल पेमेंट करके बाइक लेते हैं या कोई भी व्हीकल लेते हैं तो यहाँ पर हमें हाइपोथिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइपोथिकेशन को मैं मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बाइक ली है लोन पर, तो बाइक के पेपर्स तो आपके पास होंगे, लेकिन बाइक की जो राइट्स हैं वो कंपनी के पास होंगे जिससे आपने लोन लिया होगा। तो बाइक तो आपकी है लेकिन बाइक आपकी है नहीं। इसके अलावा अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने फुल पेमेंट किया है। और अगर आप लोन लेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये सेफ्टी आपको हो जाती है और आपका हर काम जो है वो आराम से हो जाता है। होप करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है फुल पेमेंट ऑप्शन के बारे में वो समझ में आया होगा। 90% लोग जो भी व्हीकल लेते हैं वो प्रीफर करते हैं ईएमआई के ऑप्शन को। अब मैं आपको ईएमआई के बारे में बताता हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैंने भी अपनी बाइक जो है वो ईएमआई पे ली है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईएमआई है क्या। मैंने अपनी बाइक ईएमआई पे क्यों ली है ये मैं लास्ट में ही बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट में जाके देख सकते हो। देखो, ईएमआई का मतलब ये नहीं है कि आपके फर्स्ट या सेकंड मंथ में आपको जो भी आपकी ईएमआई होगी 3,000-4,000 वो आपको भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको उसके लिए करनी पड़ेगी डाउन पेमेंट, जो कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30,000-40,000 जो भी होगा रिक्वायरमेंट आपको वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ईएमआई जो है वो स्टार्ट होगी। देखो बॉस, कंपनी हमसे डाउन पेमेंट लेती है क्योंकि अगर हम लोग 2 या 2.5 लाख की बाइक लेते हैं और 3 या 4 हज़ार में अगर हमको बाइक मिल भी जाती है और लेकर भाग भी गए तो क्या कंपनी कहाँ पकड़ेगी हमें। ईएमआई लेते हैं तो कैसा है यहाँ पे कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने बैंक से लोन लिया है। ये इंटरेस्ट 2 चीज़ पर डिपेंड होता है। सबसे पहली, आपने कितना डाउन पेमेंट किया है। दूसरा, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाइपोथिकेशन के बारे में बताया था, वो यहाँ पर आता है। समझ रहे हो ना, हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि बाइक के पेपर जो हैं वो आपके पास हैं लेकिन बाइक के राइट्स जो हैं वो बैंक के पास हैं। इससे क्या होगा, आपको बाइक की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और अगर आप ईएमआई पे करने में चूक जाते हैं या आपकी ईएमआईज मिस हो जाती हैं 2 या 3 महीने के लिए, तो बैंक जो है आपसे ईएमआईज भी चार्ज कर सकती हैं। और इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपकी बाइक जो है वो लेकर चला जाएगा। मैंने अपनी बाइक ईएमआई पे क्यों ली है इसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है क्रेडिट स्कोर। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो डेवलप होता है, और इसकी हेल्प से हम लोग फ्यूचर में भी लोन ले सकते हैं काफ़ी आसानी से। ऑफकोर्स, अगर आपने ईएमआई पे बाइक ली है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट कम पे करना है और इसके साथ में आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो भी डेवलप करना है, तो इसका क्या सलूशन है, ये भी सिंपल है। सबसे पहले आप भर सकते हैं 1 साल के लिए आपकी ईएमआई, और इसके बाद आप फुल पेमेंट कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बच जाएगा। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए मैंने अपनी बाइक जो है वो ईएमआई पे ली है। इसके अलावा भी एक और बेनिफिट है जो आपको मिलता है। आपको इसका बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जब आप फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के अंडर आपको रिबेट मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए बाइक ले रहे हैं या अपने खुद के लिए बाइक ले रहे हैं, आपके पैसों से या आपके पापा के पैसों से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर जगह पे अप्लाई होती हैं, यूनिवर्सल है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको फेस करनी है जब आप शोरूम में घुसोगे। इसके अलावा भी बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके लिए मैं हरीश को बुलाऊंगा जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि हमने बाइक ली है लेकिन सबसे ज़्यादा बाइक जो है वो हरीश चलाता है,
तो इन सब चीजों के बारे में हरीश आपको काफी अच्छे से बताएगा। हरीश का भी अपना चैनल है जिसपे आपको दिख जाएगा कि वो कितनी बाइक चलाता है। हरीश भी टीनेज में आता है और उसने अपनी बाइक को काफी अच्छे से मॉडिफाई करके रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उससे साथ बात करेंगे और समझेंगे किस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, डिसलाइक करना, जो भी करना करना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा नया तरीका ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी बताऊंगा सही चीज बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में।